गलीगंडे वाउना ना मुन्फिर मुन मेरा भागीना पापा के साथ बोले। हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए ब्लॉगिंग वीडियोस में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आप लोग को मेरे पीछे सरसों का खेत दिख रहा होगा, येलो कलर का, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअली मैं अपना दीदी का गांव में आया हुआ हूँ, दीदी का घर पे, जो कि एलेंगमारी, जो कि गांव का नाम एलेंगमारी है आमगुरी में। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा दीदी लोग का गाँव का ठीक पीछे में एक नदी है, आई रिवर, जो कि वो जगह अनएक्सप्लोर्ड है, ज़्यादातर किसी को पता नहीं है। तो मैं सोचा कि वहाँ पे जाके आज थोड़ा एक्सप्लोर करूँ। तो वीडियो देखते रहिएगा आगे। तो फ्रेंड्स, ये बिजनी एलेंगमारी गांव में हूँ मैं अभी। यहाँ पे धान गा रहा था जो कि अभी कट चुका है, और वहाँ में सरसों का खेत है। बहुत ही सुंदर है सरसों का खेत आगे। मेरा छोटा वाला हीरो जाइक्लोंग। ए जाइक्लोंग, कहाँ जा रहा है तू? मुझे कहाँ लेके जा रहा है? गांव का नजारा और गांव का फीलिंग से कुछ अलग होता है। और मुझे बचपन से गांव बहुत पसंद है। हाय ले रे। ते मामा में भी रह ले। हाय। तो चलिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा नदी है, और वो पार में भी नदी है। फिलहाल ये जगह में बहुत कम आदमी पिकनिक खाने के लिए आता है, मतलब ये गांव का ही, ज्यादातर किसी को पता नहीं है। मेरा छोटा वाला भागीना रो रहा है, पूरा यहाँ तक आ रहा है साउंड। तो वहां पे एक नदी है जो कि वो आई रिवर ही है, जो हागरबा ब्रिज होके जाता है, वो वाला ही नदी है। और यहाँ पे एक छोटा सा नदी है, ये रहा। ये वाला छोटा सा नदी वही जन ठग जाइए बार ना ठग जाइए नहीं ठग वही वही आओ नहीं ठग नहीं ठग हम वही नहीं लाइन नहीं लाइन नहीं चलो पानी बहुत ठंडा है। ठंडा है बहुत। कहना है तेरी मुंजंडे। चलो भागी ना, उठा दिया। मैं कैसे उठूं? बहुत पिछला है, मुझे वहां से उठना पड़ेगा। वो पानी पानी पानी, कहां से उठूं? यहां से मजबूत है तो मजबूत है। पानी पार हो गया। खाकरा भाई मुंह बना उठो ना, उसमें बोल रहे केकड़ा, मछली और वो फ्रॉग, ये सब मिलता है। पता नहीं रास्ता किधर से है। अरे लामा गया कह रहा है इधर से रास्ता नहीं है। वो तो सामने में ही मुझे दिख रहा है, लेकिन रास्ता किधर से है? किधर से है रास्ता? किधर से रास्ता है? चलो। अरे ले मामू ने, अरे मामू ने
इधर में तो झाड़ियां है, जंगल है, बेचन वाला में पता नहीं हम लोग कौन सा रास्ता से जा रहा है। अरे भाई ठीक आओ बेचन यार, रास्ता ढूंढ के नहीं मिल रहा, और यहाँ पे तो रास्ता खत्म, सिर्फ झाड़ियां ही है। ओ इसने ठंग दिया। हाँ हाँ ऋषि राम बुझना मारो। अच्छा देखता हूँ मेरा छोटा हीरो कौन सा रास्ता से लेके जाता है। एक रास्ता तो दिख रहा है यहाँ से। अरे ला मान डो नहीं, अरे बोला माटो। हाँ ये सच्चा रास्ता है, जंगलों की वजह से पता नहीं चलता है कौन सा रास्ता है। ओ तो रास्ता ये है, हम लोग को रास्ता मिल गया है। या लेकिन इधर से जाना ठीक रहेगा, इधर से जाता हूँ क्योंकि मुझे डर है गांव का आदमी लोग शायद ये सब पे पोटी करने आता है, मतलब उधर में जंगल है, जंगल का साइड पे पोटी करने आता होगा। बस यहाँ से उतरना इम्पोसिबल है, कहना है ये हमारे घर के छोटा वाला भाई ना उतर रहा है, मेरे ख्याल से वही रास्ता था जाने का। अरे अंकर भाई वो तो उतर गया। तो फ्रेंड्स ये है आई रिवर जो कि भूटान से होके आता है ये वाला भी। तो फाइनली यहाँ का यहाँ पे आने का रास्ता तो ढूंढ लिया, जगह अच्छा है और बारिश का दिन में इधर में बहुत पानी होता है, आप लोग को दिख रहा होगा जगह। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके फिलहाल। हाँ तो आगे नदी है, वहाँ पे छोटा सा पुल भी है, वो जगह में छोटा सा पुल भी है। और वहां में ट्रैक्टर पत्थर बोल्डर लेके जा रहा है आगे। वाओ बहुत बढ़िया, मेरा भागीना पूरा एंजॉय कर रहा है ये गलीगट। ओ ये जगह में बार लगता है बहुत होता है बार। पत्थर लेके जा रहा है ट्रैक्टर। तो हम लोग अभी नदी में जाएगा, नदी सामने में ही है गुलीकंडे वाह ना मुन फिर मुन, मेरा भागी ना पापा के साथ बोला इधर में ही मछली पकड़ने आता है। ये नदी ठंडा है, ठंडा ये नदी है, शायद इसका और वो साइड में आगे वाला में भी ब्रांच हो सकता है लेकिन उधर तक नहीं जाऊंगा, पानी ठंडा है बहुत मजा है। मेरा भागी ना मछली देख रहा है, वो बिना ये मछली है पता नहीं क्या है, ये बैंक का बच्चा ना मछली है। वो आगे में थोड़ा पानी थोड़ा स्पीड से बह रहा है, जाके देखता हूँ वो का नजारा कैसा है। ये वाला जगह में बहुत बालू और पत्थर है इसलिए यहाँ से ट्रैक्टर लोग आकर बालू पत्थर शायद लेके जाता होगा।
बारिश का दिन में यहाँ पे पूरा पानी भर जाता होगा, देखिए लग रहा है पूरा स्पीड से पानी बहता है। गाछ का पेड़ का टुकड़ा क्या क्या यहाँ पे है। वाओ क्या हुआ, आसपास गाँव का आदमी लोग बहुत रहता होगा। वहां से पानी बहुत तेज बह रहा है स्पीड से। यहाँ पूरा गंदा है। हाँ ये तो वही रास्ता है जिस टाइम ट्रैक्टर आया था। हाँ यही रास्ता वही रास्ता है, ट्रैक्टर यहाँ से आता है। यहाँ से पानी थोड़ा स्पीड से बह रहा है। मजा है देखो दाफ गिली गंदे भाई माले जान छी छी गिला सागर भाई गिला सागर आखाई शू गंदा। दूसरा का प्लास्टिक का वो गिलास पकड़ता है, क्या क्या खाया वो मत पकड़ो। यहाँ में थोड़ा स्पीड है पानी, बहुत मजा है नहाने के लिए भी बढ़िया होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला यहाँ का पानी बहुत ठंडा है, ये वाला भी। ये जगह में पिकनिक खाने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा, सिर्फ गांव का आदमी एक दो यहाँ से आ रहा है जा रहा है, और कोई कोई वो वाला दूरी पर मछली भी पकड़ रहा है। तो शायद ये जगह अनएक्सप्लोर्ड है ज़्यादातर, ये बिजनी अमगुरी एलिंगमारी गांव में है ये। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू से ये जगह थोड़ा मतलब ये जगह के बारे में सबको पता चले, और ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए कोई ब्लॉगर्स या फिर कोई जो जिन लोग को थोड़ा पिकनिक खाने में घूमने में अच्छा लगता हो वो लोग आए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियोस में नई लोकेशन के साथ, अभी के लिए बाय।